हमारे चैनल लर्निंग जंक्शन से हमेशा अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से इस घंटे को जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप मिस न कर सके। हम इस वीडियो में ऐसे एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जो कि टोटली फ्री है और हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने पुराने मोबाइल फ़ोन कैमरा या वेब कैम का यूज करके सर्विलेंस कर सकते हैं और अपने घर ऑफिस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट से देखें, हम उस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि अपने पुराने मोबाइल फ़ोन पुराने कैमरा वेब कैम को किस तरह से कौन से सॉफ्टवेयर के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि फ्री में आप अपने होम एंड ऑफिस को मॉनिटर कर सकें और देख सकें। और सिर्फ आप अपने लैपटॉप पीसी में ही नहीं, ऑफलाइन ही नहीं, आप ऑनलाइन भी दुनिया के किसी कोने में रहते हुए आप बहुत ही आसानी से इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनलाइन भी अपने होम या ऑफिस को मॉनिटर कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में। तो बहुत ही अच्छा और यूजफुल सॉफ्टवेयर है और बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास पुराना पड़ा हुआ है कोई वेबकैम तो इसका यूज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले अपने पीसी की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि कहां से डाउनलोड होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर का नाम है और इसके बाद से कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बीच में छोड़ने से आपको प्रॉब्लम होगा और फिर आप कमेंट में कुछ ना कुछ पूछेंगे। उससे अच्छा है कि आप लास्ट तक देखें, उसके बाद से भी समझ में आए फिर आप पूछें। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है आई स्पाई। डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करेंगे अगर आप, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको सामने ही दिख जाएगा ओपन सोर्स वीडियो सर्विलेंस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप नीचे आकर देख सकते हैं। बहुत ही कमाल की सॉफ्टवेयर है और ओपन सोर्स है। तो चलिए डाउनलोड पर हम क्लिक करते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस पेज पर रिडायरेक्ट करके लेकर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है और डाउनलोड आई स्पाई, बट यहाँ पर एक एरो का बटन, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वर्सन शो करेगा कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर की वर्सन है और यहाँ पर जो ये वर्सन है ये विंडोज एक्सपी एंड विस्टा में सपोर्ट करेगा और आप अपने विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इसे डाउनलोड कर लें। तो चलिए हम आई स्पाई 32 बिट को, हम इसे लेटेस्ट वर्सन को क्लिक करते हैं और इसे डाउनलोड करते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया हमारे सामने एक पॉपअप खुल जाएगा डाउनलोड का और देख सकते हैं कि 22.5 नियर अबाउट 23 MB की ये फाइल है, इसे आप डाउनलोड कर लें। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ और जहाँ पर मैं डाउनलोड कर रखा हूँ वहाँ पर चलता हूँ। तो सबसे पहले डाउनलोड होने के बाद से आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको उस फोल्डर में सिर्फ एक ही exe का फाइल मिलेगा स्पाइस सेटअप का। तो सबसे पहले आप इसे डबल क्लिक करें और उसके बाद से एग्री करके आप इसे इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और उसके बाद से ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाता। तो अभी आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। तो हम यहाँ लॉन्च पर क्लिक करेंगे और इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेंगे और आपको इसमें बताएंगे किस तरह से इसे कॉन्फ़िगर करना है। तो ये सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो चुका है और ओपन होने के बाद से इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड का बटन है, तो अगर आपको कैमरे ऐड करने हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ पैकेज मीडिया अपग्रेड व्यू और भी बहुत सारी यहाँ पर डिटेल लिखी गई है। तो हमें इसमें सिंपल एक कैमरे को ऐड करना है। तो हमारे पास जो कैमरा है वो है लॉजिटेक का एक वेबकैम है, तो हम उसे ऐड करेंगे। अगर हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लोकल कैमरा, आईपी कैमरा, आईपी कैमरा विद रिजल्ट, बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, यहाँ तक कि यहाँ पर माइक्रोफोन भी आता है। कैमरा एंड माइक्रोफोन ऑन अदर कंप्यूटर, अगर दूसरे कंप्यूटर में है, दूसरे आपके पीसी में है, तो वहाँ से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका आईपी कैमरा है या कुछ अलग टाइप का कैमरा है तो आप बाकी दूसरा ऑप्शन को चूज़ करेंगे, बट मेरे पास एक वेब कैम है तो हम यहाँ लोकल कैमरे पर क्लिक करेंगे। लोकल कैमरा पर क्लिक करने के बाद से आपको एक विंडो ओपन होगा जिसमें लिखा होगा वीडियो सोर्स। तो आप यहाँ से सोर्स चुनेंगे कि आपका कौन सा कैमरा यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं कैमरा वन में। तो यहाँ से इंटीग्रेटेड कैमरा जो लैपटॉप का कैमरा है उसको हम हटाकर एक वेब कैम हम अपने लैपटॉप में लगा कर रखे हुए उसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद से हम यहाँ से ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे हमारे सामने इसका लाइव व्यू आने लगेगा और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ बैठकर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लाइव व्यू आ चुका है तो अब हम यहाँ पर इसमें कुछ सेटिंग करते हैं एडिट कैमरे में। तो सेटिंग करने के लिए आप सबसे पहले कैमरे में आएंगे और उसके बाद से आप यहाँ से देख सकते हैं।
तो यहाँ पर नाम है, तो सबसे पहले हम इसको कैम वन कर देते हैं, बाकी सब वैसे ही रहने दें। और यहाँ से आपको माइक को ऐड करना होगा क्योंकि आपके वीडियो के साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड हो। तो यहाँ पर आप क्लिक करके न्यू पर करेंगे और यहाँ से एरो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से आप यहाँ से माइक्रोफोन को चुन लेंगे। तो यहाँ पर एच डी प्रो वेबकैम जो है मेरा, उसी को हम चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद से ओके कर देंगे। तो अब यहाँ से फिनिश कर देना होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद से हम नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद से हम इसके लाइव व्यू को देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह का रिकॉर्डिंग होगा। उसके बाद से आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद से अगर आप यहाँ पर कोई अलर्ट लगाना चाहते हैं तो आप अलर्ट लगा सकते हैं। उसके बाद से आप नेक्स्ट करें, उसके बाद से फिर नेक्स्ट, और उसके बाद से नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, और उसके बाद से आप फिर नेक्स्ट करें। और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हैं अपने वीडियोज़ को, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे ऐड कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करने पड़ेंगे। चलिए हम इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद से अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हैं। आप कैमरे का रिकॉर्डिंग कब ऑन होगा कब ऑफ होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। और स्टोरेज, यहाँ से आप कहाँ पर इसे इस वीडियो जो फाइल रिकॉर्ड होगी उसको सेव करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम इसे सेट कर लेते हैं। और यहाँ से हम ऑलरेडी ई ड्राइव में सीसीटीवी बोल के एक फोल्डर बना रखे होंगे, इसमें हम चाहते हैं कि सेट हो। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद से ओके कर देंगे। तो फिर हमें यहाँ से भी चेंज करने होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो फिर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ये सेट हो गया है। अब हमारा कैमरा हमारे सॉफ्टवेयर के साथ ऐड हो चुका है और कन्फिगर भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका लाइव व्यू आपके सामने है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए तो आपको सिंपल करना क्या होगा, क्योंकि आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है बट ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ रिकॉर्ड नाउ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे रिकॉर्ड नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद से आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड बटन आ चुका है, मतलब रेड ब्लिंक कर रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये बहुत ही आसान है आपको इसमें कॉन्फ़िगर करना। अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरह आप इस जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका लाइव व्यू आप अपने मोबाइल में देखेंगे। अगर आप ऑफिस में नहीं रहते हैं या अपने घर पर नहीं रहते हैं, आप आउट ऑफ ऑफिस या आउट ऑफ होम होते हैं और चाहते हैं कि हमारा जो भी लाइव व्यू है हमारे ऑफिस में क्या हो रहा है वो अगर हम देखना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि एक्सेस मीडिया पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर मोबाइल डिवाइस पर क्लिक करना पड़ेगा। मोबाइल डिवाइस पर क्लिक करने के बाद से आपको इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने और यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको iSpy Connect के वेबसाइट पर आपको एक आईडी बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाए हुए हैं तो आपको यहाँ न्यू अकाउंट पर क्लिक करके एक आईडी बना लेना होगा। आईडी बनाने के बाद से आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड सेट कर लेंगे। उस यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद से आपको लाइव व्यू दिखा देते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में ये वाली जो लिंक है ये आपको टाइप करना पड़ेंगे, जो लिखा हुआ है www.ispyconnect.com/mobile। तो इस लिंक को आप अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र में टाइप करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं किस तरह ही होता है। तो चलिए हम मोबाइल की तरफ आ चुके हैं। अब मोबाइल में आने के बाद से हम अपने मोबाइल के एक ब्राउज़र का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्रोम पर क्लिक करेंगे और क्रोम पर क्लिक करने के बाद से हमें यहाँ पर एक यूआरएल देना होगा जो कि है www.ispyconnect.com। नीचे देख पा रहे हैं कि इसकी वेबसाइट है स्लैश, आप ispyconnect.com/mobile टाइप करें तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएंगी जो कि iSpy का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप लॉगिन करके आपका जो भी स्ट्रीम हो रहा है आपके वेबकैम से वो आप यहां से देख सकते हैं। तो अब आपको इसमें लॉगिन करना होगा। तो आपका जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है वहां पर टाइप कर लें। यूज़र नेम जो है हमारा इमरान है, इमरान आलम, और पासवर्ड असली हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद से आपको करना क्या होगा कि रिमेंबर को ऑन करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका इसमें हमेशा लॉगिन रहेगा और उसके बाद से आप लॉगिन पर क्लिक करें। तो सिंपल आपको यहाँ पर कैम वन जो ऑनलाइन है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपका कोई फाइल शो नहीं कर रहा टेंशन ना ले, क्योंकि हम यहाँ पर ऑनलाइन सर्वर में हम यहाँ पर फाइल लोड नहीं किए इसलिए शो नहीं कर रहा है। अब सिंपल आपको लाइव पर क्लिक करना पड़ेगा और आप लाइव देख सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने लाइव पर क्लिक किया तो आपके सामने हमारा जो स्टूडियो है वो लाइव यहाँ पर शो कर रहा है। और मैं यहाँ पर आपको हाथ वैप करके दिखा देता हूँ। देखिए हम जब हाथ ऐसे वैप कर रहे हैं अपना हैंड को, तो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब ये लाइव है। आप दुनिया किसी कोने में भी जाकर आप लाइव देख सकते हैं। हाँ, बट आपके पीसी में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और साथ ही साथ आपके मोबाइल फ़ोन में भी इंटरनेट होना चाहिए, तभी ये दोनों आप देख पाएंगे।
तो बहुत ही आसान है, बहुत ही यूजफुल है, आप इस सॉफ्टवेयर को चाहें तो बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपके पास कोई भी पुराना वेबकैम है, कैमरा है, मोबाइल फोन है, तो आप इससे बहुत ही आसानी से सर्विलेंस कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं अपने घर पे या ऑफिस में कहीं भी लगाकर। तो आप इस आई स्पाई सॉफ्टवेयर का यूज करें और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर इस वीडियो को देख चुके हैं और अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज एक लाइक करें और नीचे कमेंट जरूर करें, अपनी राय हमें दें कि वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इस तरह के दूसरे वीडियो में।